हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? पहले हमने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी? स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जिसमें क्या होता था, मैच्योर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, उसमें दो, आप देखिएगा पिछला वीडियो तो उसमें आप देखेंगे दो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही थी। एक में क्या हो रहा था पहले फेज में, कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड हो रहा था। ठीक है, स्पर्मेटिड सेल कैसी थी, जो जिनमें टेल नहीं थी, बॉडी नहीं थी, हेड नहीं थी, मतलब इमैच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म, जिसको हम बोल रहे थे स्पर्मेटिड। अब ये दूसरी जो प्रोसेस है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है, जो स्पर्मेटिड बना था, ठीक है, स्पर्मेटिड अपने स्ट्रक्चर में चेंज करता है, डेवलप करता है और मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये ध्यान से आप सुनिएगा, स्पर्मेटिड जब फर्दर डेवलपमेंट के थ्रू मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही पार्ट है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। सो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटिड कन्वर्टिंग इंटू मैच्योर स्पर्म टर्म्ड स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब क्या है, स्पर्मेटिड का जो कन्वर्जन हो रहा है इंटू मैच्योर स्पर्म में, उसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, द सेकेंडरी स्पर्म सेल स्टिल मस्ट मैच्योर बिफोर इट कैन फर्टिलाइज एन एग। जो सेकेंडरी स्पर्मेटिड था, ठीक है, जो फॉर्म हुआ था, उसको मैच्योर फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और मैच्योर फॉर्म में तब आएगा जब उसमें हेड रीजन, उसके नीचे बॉडी रीजन और सबसे नीचे टेल रीजन होगा। ठीक है, और टेल रीजन जब तक नहीं होगा तो स्पर्म में मोटिलिटी नहीं होगी, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो जो फीमेल का रीजन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन में, वो कैसे पहुँचेगा जब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। और जब तक वो फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन में नहीं पहुंचेगा तब तक वो ओवम को कैसे पेनेट्रेट करेगा, और जब तक पेनेट्रेट नहीं करेगा तब तक जायगोट नहीं बनेगा, और जब तक जायगोट नहीं बनेगा तब तक की प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सबसे पहले स्पर्म को ही अपने आप को डेवलप करना है, जो इस प्रोसेस में होगा स्पर्मियोजेनेसिस में। ठीक है, और यह किस चीज़ से डेवलप हो रही है, स्पर्मेटिड सेल अपने आप को कन्वर्ट कर रही है मैच्योर स्पर्म सेल में। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ओनली इन्वॉल्व मैचुरेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड नो चेंजेस ऑकर्स इन द क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि ये स्पर्मेटिड जो बने थे, हमने लास्ट वीडियो में जाना था, स्पर्मेटिड जो थे वो हैप्लॉइड नेचर के थे, मतलब ईच सेल में 23 क्रोमोसोम्स थे। ठीक है, तो वो क्रोमोसोम जो ईच सेल में 23 थे वो 23 ही रहेंगे, क्रोमोसोम में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, वो उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे और हैप्लॉइड नेचर ही होंगे। बट चेंज किस में होगा, केवल स्पर्मेटिड की स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस बोल सकते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं ये हमको जानना है। द स्पर्म सेल डिवाइडेड इंटू हेड, मिड पीस और टेल। ठीक है, तो स्पर्मेटिड जो होगा वो किस में डिवाइड हो रहा है, हेड रीजन में, मिड पीस मतलब बॉडी भी हम इसको बोल सकते हैं, और टेल रीजन में। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर डाला हुआ है। तो जो मैच्योर स्पर्म होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हेड रीजन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो बीच वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मिड पीस, या इसको बॉडी रीजन भी बोल सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो ये दिखाई दे रहा है ये क्या है, टेल। स्पर्म में टेल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेल क्या करती है, मोटिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करती है इस तरह से, इसको हम फ्लैजेला भी बोलते हैं। ठीक है, और इस टेल में ही जो हर सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि सेल के अंदर क्या भरा हुआ होता है, साइटोप्लाज्म। अब इस स्पर्म सेल में क्या होता है, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म पहुँच जाता है टेल रीजन में। ठीक है, क्योंकि ये स्पर्म का केवल काम क्या है, केवल ओवम को पेनिट्रेट करना और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाना। फिर वहां पर क्या करती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्रस जो होता है वो इसका खाना पीना सारा जितना भी चीज़ें हैं वो फिर देखता है। तो इसको केवल तभी तक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जब तक कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंच जाता। और उसमें पहुंचने के लिए इसके टेल रीजन में जो साइटोप्लाज्म रहता है वो इसको पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, इस सेल को ज़िंदा रखता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये
एक सेल है, कौन सी? स्पर्म सेल, जो हेड रीजन, मिड पीस और टेल में डिवाइडेड है। अब इसकी बात करें तो इसमें भी क्या चीज़ है, कुछ अदर स्ट्रक्चर हम बात करें अगर डीपर, तो हेड रीजन की अगर बात करें तो उसमें देखिए ऊपर लिखा हुआ है एक्रोसोम को। तो ये जो वाइट कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? ये गोल्जी बॉडी का ही फर्दर डेवलपमेंट मान लीजिए या एक्सटेंशन मान लीजिए, ठीक है। गोल्जी बॉडी जब अपना डेवलपमेंट करता है तो एक्रोसोम में डिवाइड होता है और गोल्जी रेस्ट में डिवाइड होता है। तो एक्रोसोम क्या करता है, ये एक एंजाइम को कंसिस्ट करता है अपने ऊपर, ये हम फर्दर थ्योरिकल पार्ट में जानेंगे। बीच में जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, हर सेल में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, हर सेल में होती है न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बीच में क्या है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भी हर सेल में होता है, बट इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल नेक रीजन में होते हैं। ये जो दो ग्रे कलर का स्ट्रक्चर मैंने ये गोला किया हुआ है, इसमें आप इसको नेक रीजन अगर मान लें तो इसी में सेंट्रियोल होते हैं। अब एक अपर सेंट्रियोल होता है, दो होते हैं, और एक नीचे सेंट्रियोल होता है, और जो नीचे वाला सेंट्रियोल होता है ये फर्दर एक्सटेंशन फॉर्म करता है, और क्या फॉर्म करता है, एक्सियल फिलामेंट, और ये एक्सियल फिलामेंट इसकी बॉडी से होते हुए टेल तक जाता है, ठीक है। तो इसको हम, हो सकता है कि अभी आपको ना समझ में आया हो। हाँ, लास्ट बचता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल को पावर की ज़रूरत होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा हो जाता है, वो स्पाइरल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और स्पाइरल शेप में कन्वर्ट होकर कहाँ पहुँच जाता है, इसके बॉडी वाले रीजन में, ठीक है, इसके बॉडी वाले पार्ट में पहुँच जाता है, ठीक है। तो यही अब हम थ्योरिकल पार्ट में भी समझेंगे। ये आपने डायग्राम के थ्रू जान लिया कि ये क्या चीज़ है। ओके, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ दोबारा से। सबसे पहला क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल बिकम मोर कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। ज़्यादा न्यूक्लियर मटेरियल इसका सिकुड़ जाता है, और कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ओवल शेप। आपने हेड देखा ना कैसा था, ओवल शेप में था, गोल नहीं था, ठीक है। तो गोल था मतलब ओवल शेप में ही था, तो ओवल शेप हो जाता है, और एरिया डेवलप्स एज द हेड ऑफ द स्पर्म। कौन सा एरिया डेवलप करता है, हेड रीजन, जिसमें एक्रोसोम था और न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस इज हैविंग अ डीप कर्व ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। जो न्यूक्लियस होता है उसमें कुछ हल्का सा कर्व होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो कर्व है, इसी के ऊपर सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये कर्व है न्यूक्लियस, ये समझ लीजिए नीचे वाला कर्व है, और यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। कितने सेंट्रियोल होते हैं, दो, ठीक है। तो ऊपर वाले सेंट्रियोल से कोई मतलब नहीं है, वो अपना अपना अलग रोल प्ले करता है। जो नीचे वाला सेंट्रियोल रहता है वो एक्सटेंशन फॉर्म करता है, और क्या बनाता है, एक्सियल फिलामेंट, और एक्सियल फिलामेंट कहाँ तक जाता है, टेल तक, ठीक है। सो मेनली टू सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल। मैंने आपको बताया दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म शेड्स एंड रीचेस इन द टेल रीजन ऑफ स्पर्म। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्मेटिक सेल का, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म था वो ज़्यादा हिस्सा उसका कहाँ चला गया, मतलब 80% उसका जो पार्ट होता है कहाँ आ जाता है, टेल में। साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको खाना पीना देना। तो सेल, स्पर्म सेल को केवल कब तक न्यूट्रिएंट चाहिए, जब तक कि वो फीमेल ट्रैक्ट में नहीं पहुँच जाता, और फीमेल ट्रैक्ट में पहुँचने के बाद वहाँ खुद यूटरस होता है जो उसके पूरी जिम्मेदारी उठाता है खाने पीने की। ओके, सो जो साइटोप्लाज्म है वो टेल रीजन में शिफ्ट हो जाता है पूरा। गोल्जी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। तो हमने आपको हेड रीजन में दिखाया कि ऊपर एक कैपिंग थी जिसको हम एक्रोसोम बोल रहे थे। तो गोल्जी बॉडी जो होती है सेल में, वो क्या करती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक एक्रोसोमल पार्ट में और दूसरा गोल्जी रेस्ट पार्ट में। गोल्जी रेस्ट क्या होता है, ये फर्दर एक्रोसोमल वाले पार्ट को जनरेट करता रहता है। ये भी एक तरह से रिजर्वायर की तरह काम करता है, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या करता है, ये हम जानते हैं, दैट इज कवर्ड पार्शली बाय अ कैप कॉल्ड एक्रोसोम। ये जो स्पर्म की हेड होती है उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म करता है। अब ये कोटिंग क्यों फॉर्म करता है, ये भी जानते हैं, एक्रोसोम डेवलप विच कंटेन द एंजाइम कॉल्ड स्पर्म लाइसिन। अब एक्रोसोम में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है स्पर्म लाइसिन। ये किस लिए यूज होता है, हेल्पिंग इन ओवम पेनिट्रेशन। स्पर्म का काम क्या है, क्या है, ओवम के साथ पेनिट्रेट करना, ठीक है, ओवम को पेनिट्रेट करके उसके साथ मिक्स हो जाना, ठीक है। तो उसमें जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो ये जो स्पर्म लाइसिन होता है, ये पेनिट्रेशन, किसके पेनिट्रेशन में, ओवम के पेनिट्रेशन में स्पर्म की हेल्प करता है, ठीक है। तो
तो आई होप कि आप एक्रोसोम भी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, बिकॉज इट ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये कहाँ चला जाता है, अब जब पूरी सेल सिकुड़ रही है, कंडेंस हो रही है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा सा तो हो नहीं सकता, वो भी अपना चेंज करता है, अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजमेंट करता है, तो वो कैसा हो जाता है, सिकुड़ के स्पाइरल शेप हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्पाइरल, स्पाइरल शेप आप समझते होंगे, तो स्पाइरल शेप हो जाता है। और कहाँ शिफ्ट हो जाता है, स्पर्म के बॉडी वाले या मिड रीजन में शिफ्ट हो जाता है। तो मिड रीजन में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से टेढ़े मेढ़े से स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, वो और कुछ नहीं माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। और जो स्पाइरल शेप में वो कन्वर्ट होता है, उन सेल का नाम भी चेंज होता है, उन सेल को तब क्या बोलते हैं, नेबर कर्न। क्या बोलते हैं, नेबर कर्न। तो नेबर कर्न को आप समझ सकते हैं कि स्पाइरल शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड नेबर कर्न, कहाँ होता है, स्पर्म के मिड रीजन में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने समझी कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का कैसे डिवीज़न होता है, गॉल्जी एपरेटस के क्या क्या रोल होते हैं, वो क्या क्या बनाता है, सभी चीज़ें हमने, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट हो रहा था कैसे होता है, और एक मैच्योर स्पर्म सेल कैसे फॉर्म होती है, ठीक है। सो ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में जानी। सो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।